आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश भर में उनके जन्मदिन को स्वच्छता ही सेवा के नाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। उनके नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की है और आगे भी करता रहेगा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में श्रीनगर क्षेत्र के पीपल चौरी में स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में श्रीनगर शहर के स्थानीय लोग, गढ़वाल विश्वविद्यालय के कई छात्र समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस दौरान अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पुतला तो फूंक रही है, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री भी तो उतने ही दोषी हैं कि उनके राज्य में अंकिता भंडारी के दोषियों को सजा तक नहीं मिली है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस ने 21 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगी, जिसको लेकर महिला कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। ज्योति रौतेला ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 सितंबर को कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन करके महिला कांग्रेस की सभी वर्कर सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीने में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, इससे महिला खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिला है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के 39वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के आदेश अनुसार प्रदेश में महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान के तहत नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। डीडीहाट धारचूला में जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने स्थापना दिवस पर केक काटकर सदस्यता अभियान चलाया। कार्यक्रम में भागीरथी हयांकी, प्रदेश सचिव प्रेमा कुटियाल, ब्लॉक अध्यक्ष महिला इंदिरा धामी, जिला उपाध्यक्ष सरिता हांकी, राधिका सिरखाल, महासचिव शीला हांकी, सचिव अनुराधा, इंदिरा देवी, दीपा रूपा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ के मुनाकोट पशु चिकित्सालय में 11 सालों तक सेवा देने वाले डॉक्टर लाल सिंह सामंत की विदाई पर गांव के लोग भावुक हो उठे। उनकी सेवाओं को याद करते हुए हर किसी की आंखें नम थी। डॉक्टर सामंत ने अपने कार्यकाल में अनगिनत बेजुबानों को नया जीवन दिया और गरीब असहाय लोगों को इलाज में सहयोग किया। उनकी सेवाएं एक मिसाल बन गई। अमन फाउंडेशन के संस्थापक अमन खड़ायत ने भी उनको विदाई देते हुए कहा कि डॉक्टर सामंत ने रात के 2 बजे भी फोन कॉल पर बेजुबानों को बचाने के लिए 40 किलोमीटर दूर तक का सफर तय किया है। उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और तीखी सर्दी से लेकर जल प्रलय और चिलचिलाती धूप में भी अपने कर्तव्य को आगे रखा। विदाई समारोह में ग्रामीणों ने डॉक्टर सामंत को शुभकामनाएं दी और उनके स्थानांतरण पर दुख व्यक्त किया। डॉक्टर सामंत अब पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं देंगे। मदकोट ढूना मानी PMGSY मोटरमार्ग जुगनी ढूना के बीच 2 महीने से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और लोग सामान ढोने पर मजबूर हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से मांग की गई है कि तत्काल बंद पड़ी हुई मोटरमार्ग को खोला जाए। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष डीडीहाट विक्रम दानू ने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्या का गंभीरता से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र मोटरमार्ग नहीं खोला गया तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ, नोएडा, विद्या के भरोसे ट्रस्ट और RWA सेक्टर 56 ने पुलिस का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का स्वागत और सम्मान किया गया। ये समारोह उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के 2 छात्रों के सकुशल बरामदगी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। विद्या के भरोसे ट्रस्ट के संचालक संतोष खंडूरी ने इस मौके पर कहा कि लोगों को अब पुलिस की पुरानी छवि दिमाग से हटानी पड़ेगी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस जहां समाज के लिए स्मार्ट, फास्ट और फ्रेंडली होकर काम कर रही है, वहीं अपराधियों के लिए कठोर भी है। वहीं DCP राम बदन सिंह ने अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य को लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम में RWA अध्यक्ष संजय मावी, हरीश जुगरान, मनोज कटारिया, कपिल शर्मा, संतोष खंडूरी, नरेश रावत, देवेंद्र रावत, मोहित, महेश डंडरियाल, सुनील गिरजानंद, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।